सियाम के दिल फरेब दिल शगुफ्ता शब रोज हर हर गुजरते लम्हे में इबादतों और जिक्र अजकार की हलावतों को पा लेने की तमन्ना। आह जो खुशा लम्हात गुजर गए, माह मुबारक का वो दिन जो हमसे जुदा हो गया। ऐ काश उन्हीं गुजरे लम्हों में होने वाली नेकियां फिर से मयसर आ जाएं तो क्या ही बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल तबलीग कुरान सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम मदनी चैनल 1434 सन हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की लाइव और रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन को रिपीट ट्रांसमिशन नशरे मुकर्रर के तौर पर बनाम रमज़ान की पुरकैफ यादें पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है, जिसमें आप मुलाहजा करेंगे दावत इस्लामी के तहत होने वाले तरबियती एहतिकाफ में अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का मोतकिफीन आशिकान रसूल की तरबियत करना, मोतकिफीन इस्लामी भाइयों का अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की मुबारक सोहबत में सहरी और इफ्तारी की सआदत हासिल करना, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया का बाद नमाज ज़ोहर और बादस तरावीह रोज़ाना दो मरतबा मदनी मुज़ाकरा क़ुर्बे इफ्तार अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में मुनाजात का सिलसिला और दीगर महके महके सुन्नतों भरे सिलसिले। आइए देखते हैं रमज़ान की पुरकैफ यादें। बाद नमाज जुमा तिलावत कलाम पाक को हदिया इनात के बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुमुल आलिया का अवामुन्नास के लिए रुश्द हिदायत पर मबनी मदनी मलफूजात से सजा मदनी मुज़ाकरा हुआ, उसके चंद मनाज़िर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1434 सन हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की दूसरी तारीख है। आज जुमुआ तुल मुबारका है। जुमुआ की नमाज पढ़कर आलम मदनी मरकज फैजान मदीना में कसीर मोतकिफीन और आशिकान रमजान जमा है। मदनी मुजाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊंगे जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए, मुझे आए बाएं शाएं करता, अपने मौकिफ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पापा जानी पीरो मुर्शिद से अर्ज है, क्या दो नमाज जुमा की पहली चार सुन्नतें हैं, अगर वो छूट जाए तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई वाजुबात अता फरमा दीजिए। और मैं पसरूर से बात कर रहा हूँ। जुम्मे के फर्जों के बाद पढ़ लीजिए चार सुन्नतें, अगर पहले ना पढ़ पाए तो वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा जान से मेरा ये सवाल है कि ये जो कसीदा बुर्दा शरीफ का शायर है ना, एक शेर वो मौला या सल्ली वसल्लम, जब स्वाद को पढ़ते हैं ना इधर जुम्मा के बाद तो वो स्वाद को लंबा कर देते हैं मौला या सल्ली, इससे मायने का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? या पर ज़बर है या पर अलिफ है? स्वाद के ऊपर नहीं, वैसे मौला या जो आपने पढ़ा उसमें क्या है? या पर, या के ऊपर ज़बर है। अच्छा, मौला या आगे स्वाद है ना? मौला या नहीं है, मौला या नहीं, मेरे मौला। वो स्वाद को लंबा कर देते हैं स्वाद ली, तो क्या नहीं करते, आपने स्वाद ही पकड़ा है खाली। हम अवाम है समझे, अल अवाम कल अनआम। तो ये कि अगर वो तरन्नुम से पढ़ने वाला कोई अगर इस तरह की कोई खींचतान कर लेता शेर में, शेर में इसकी इजाज़त होती है, जैसे कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा, तो अब ये आयत अगर हो तो ये बहुत बड़ा ऐब हो गया, लेकिन वो अशआर में इसकी गुंजाइश होती है। तो ये मौला या सल्ली वसल्लम दाइमन अबदा, ये अरबी ज़रूर है लेकिन ये आयत नहीं है, ये दुरूद पाक है और नज़म के अंदाज में है। तो जब तक फसाद माना ना हो तो वो गुंजाइश इनमें रहेगी। और ये स्वाद इस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह वो आपने फरमाया कि सा, ये पढ़ते नहीं इस तरह, इस तरह पढ़ते
मौला या सवाले ये सवाले, अगरचे वो ये आयत में ऐब है लेकिन यहाँ चल जाएगा, ये स्वा नहीं पढ़ रहे, सवाले अगरचे है ये मद ही की एक सूरत है लेकिन यहाँ चल जाएगा इसमें, कसीदे बुर्दा शरीफ में या दीगर अशआर में इसकी गुंजाइश रहेगी। वल्लाह तआला आलम व रसूलहू आलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرت صاحب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں جمعہ کی نماز میں جو دو رکعت واجب پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر کی نیت ہوگی یا جمعہ کی نیت ہوگی اور اس کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں اس کے لیے ظہر ہوگی یا जुमा की नमाज की नियत होगी सवाल का जवाब देकर हमारी रहनुमाई फरमाएं ये जुमा ज़रूर वाजिब है लेकिन ये जो दो रकात हम पढ़ते हैं ना ये फ़र्ज़ है बल्कि ये फ़र्ज़ बहुत ताकीदी फ़र्ज़ है ये दो रकात जब जुम्मे के पढ़ेंगे ना तो उसमें फ़र्ज़ की नियत करेंगे और दीगर सुन्नतों वगैरह में आम जो नमाजों में भी हम सुन्नतें पढ़ते हैं ना तो इसमें ये ज़रूरत नहीं होती कि हम ज़ोहर की सुन्नत है तो ये असर की सुन्नत हम पढ़ रहे हैं देखिए इसमें सिर्फ सुन्नत की नियत करते हैं कि ये मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक या मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक ये चार रकात या दो रकात पढ़ रहा हूँ तो ये काफ़ी है सिर्फ सुन्नत का जब भी काफ़ी है उस नमाज के वक्त की जो है ना नियत वो फ़र्ज़ नमाजों में लेनी है कि आज के ज़ोहर के आज का जुमा आज की असर आज की मगरिब आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जो जुमुआ के फ़र्ज़ से पहले चार सुन्नतें पढ़ते हैं इसमें नियत ये करे कि जुमुआ के कबल की चार सुन्नतें पढ़ रहा हूँ और जो बादिया कहलाती हैं फ़र्ज़ों के बाद तो उसमें नियत करे कि जुमुआ के बाद की सुन्नतें अदा कर रहा हूँ। अच्छा और नमाज़ों में तो वो कैद नहीं है लेकिन नियत चाहे तो यूँ कर ले तो बेहतर है। वल्लाहु तआला आलम व रसूलहू आलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नासिर अत्तारी है, बाबुल मदीना कराची मजलिस मालियात से मेरा ताल्लुक़ है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है, क्या सजावट के लिए जमा की गई रकम लंगर या न्याज में खर्च कर सकते हैं? मसलन जश्न विलादत की सजावट के नाम पर जो रकम हासिल की तो अब ये उसूल है, मसला है कि जिस मद में चंदा लिया गया, जिस उन्वान पर जिस काम का कहकर चंदा लिया गया उसी काम में खर्च करना वाजिब, इसके अलावा नहीं। बच गया तो जिसका था उसको लौटा दिया जाए या अब अगर वो इजाज़त देता है दूसरे काम की तो उसमें इस्तेमाल किया जाए। लिहाजा जो जश्न विलादत या ग्यारहवीं शरीफ या मस्जिद रमजान मुबारक में रोशनी करने के लिए कुछ सजावट भी वो हो जो जायज़ हो, हर सजावटें जायज़ नहीं होती, बात सजावटें फजूल भी तो होती हैं। तो अगर जायज़ सजावट के लिए चंदा लिया था और यह बच गया तो अब यह लंगर रज़विया या लंगर रसाइल वग़ैरह में इस्तेमाल नहीं हो सकता, बच गया है, जिसका है उसको दे दें या उससे पूछ लें कि इसका क्या करना है, वो अगर इजाज़त देता है कि हाँ ठीक है लंगर रसाइल कर दो तो अब जायज़ हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ये एक बहुत आजमाइश है कि सबका मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद अब उसकी इजाज़त सबके लिए काफ़ी नहीं होगी, जितनी रकम जिसने दी तो उतनी रकम अगर वो अलग रखी है तो अब उस रकम में उसका हुक्म जो है वो नाफिज़ होगा कि यहाँ जी मेरी रकम जो है ना उसको आप यूँ इस्तेमाल कर लो। उसके बाद शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के हमराह सिसकियों और हिचकियों के साथ अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राज़ी करने की सही सिलसिला मुनाजात इफ्तार का इनेकाद हुआ। अल्लाह ताला रमजान और मुबारक की हर शब में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनाहगारों को दोजख से आज़ाद फरमा देता है। अल्लाह की रहमतों की क्या कहने,
उसकी इनायतों के क्या कहने। जब रमज़ान की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है, और जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल किसी बंदे की तरफ नज़र फरमाए तो उसे कभी अजाब ना देगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला माह रमदान में रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। 10-10 लाख हर हर करी अल्लाह, हमारा भी नाम लिखते उनमें, लिखते मौला इस या से कभी हमने कनारा ना किया पर तूने दिल असुरदा हमारा ना किया, हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज मगर मौला तेरी रहमत ने गवारा ना किया। तेरी रहमत के लिए शामिल गुनाहगारों में हूँ, वो उठी रहमत ना घबरा मैं मददगारों में हूँ। गुनाहगार से बख्श दे मुझको कि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले की आदि, ए गीबत करने वालो, ए दिल आजारिया करने वालो, ए बदरीगाहिया करने वालो, ए सूद खाने वालो, ए रिश्वतें खाने वालो, तरह तरह के गुनाहों में मुबतला ये अल्लाह के बंदो तोबा कर लो। अल्लाह ताला से तोबा करते हैं वो तोबा कबूल करने वाला है। कर लो नियत कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी, रमजान का रोजा कजा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, बदनिगाही का अंदाज खत्म, सब खत्म, बस उस रब की रहमत की तरफ नजर रखते हैं। सच्ची तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। बरसों गुनाह करके आया हुआ बंदा लम्हे की खालिस तौबा के जरिए बख्शा जाता है। जिंदगी भर गुनाह करने वाला भी ना जाने किस घड़ी खालिस तौबा कर ले, उसको गुनाहों का एहसास हो जाए। एक शख्स ने गुनाह किया और अब इधर उधर दौड़ने लगा कि मुझसे अल्लाह की ना फरमानी हो गई, मुझसे अल्लाह की ना फरमानी हो गई, मुझसे अल्लाह की ना फरमानी हो गई। उसका इस अंदाज को देखकर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने उस बंदे को सिद्दीकीन में शामिल कर दिया। एहसास गुनाह, एहसास इसियां कि हम गुनाहगार हैं, अगर हम भी नहीं है तो गुनाहगार फिर कौन होता है, हम गुनाहगार हैं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि हमें बख्श देगा। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है, अफव जुर्मो कुसूरो हुआ हूँ पति।
خیرات دے دے۔ اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔ اسلام میں مخفی عبادات کا ایک تصور ہے کہ جس قدر ہو سکے بندہ اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح تم گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ جس طرح تم گناہ کو چھپاتے ہو۔ کم از کم کوئی ایک نیکی تو ایسی ہو جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ رمضان المبارک میں ہمیں اس بات کا احساس دلایا جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی مدد کرو، دکھیوں کی مدد کرو، مگر کون کرے ان دکھیوں کی مدد، کون کرے ان پریشان حالوں کی مدد، یہ بھوکوں سے بلکتے ہوئے لوگوں کی مدد کون کرے، ان غریب بچوں کی مدد جن کو آج اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی پراپر کھانا نہیں ملتا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمیں کس طرح لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، کس طرح نیکی کرنی چاہیے۔ یعنی کیا صدقہ کرنا نیکی نہیں ہے تو نیکیاں چھپائیے، کیا پڑوسیوں کی مدد کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چھپائیے، کیا غم خواروں کی غم خواری کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چھپائیے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چھپائیے، کیا اپنے بچوں کی امی کی اپنی بیوی کی دل جوئی کرنا نیکی نہیں ہے نیکیاں چھپائیے، اپنے بچوں کے ساتھ کیا آدمی دل جوئی کر کے اچھا برتاؤ کر کے نیکی نہیں کما سکتا نیکیاں چھپائیے۔ آپ چل رہے ہیں کسی کے عیب پر نظر پڑی اور اگر موقع ہے ایسا ماحول ہے اور آپ اس کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے گناہ سے بچاتے ہوئے آگے نکل گئے، پھر آگے جا کر جتانے کیا ضرورت، یار وہ دیکھا تھا وہ تو یہ کام کر رہا تھا۔ ارے بھائی کسی کا عیب چھپائیے، کیا کسی کا عیب چھپانا یہ نیکی نہیں ہے؟ نیکیوں کی کوانٹٹی پر تصور کیجئے، ہم یہاں نہیں سوچیں گے کہ یہ بھی نیکی ہے میں اس کو چھپاؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ آج اپنے بہترین دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ آج بھوکے ہوں، ہاں ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہ ہوں جو آج آپ کے دسترخوان پر ہیں۔ اب تو شادی کے بعد الگ ہو گئے نا اپنے بچوں کو لے کر، ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین تکلیف میں ہوں۔ نوٹ کر لیجئے، غور کر لیجئے، پوچھ ہی لیجئے، بہت سارے اچھے کام کرنے کا موقع ہے۔ شام کو اپنے والد صاحب کو اپنی والدہ کو پھل فروٹ دے آئیے، خوش ہو جائیں گے وہ، یہ بھی تو نیکی ہے نا۔ اسی طرح پڑوسیوں کے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کر دیجئے، غریبوں کی مدد کرنے کے حوالے سے، غم خاری کرنے کے حوالے سے، بھلائی کرنے کے حوالے سے، صدقہ کرنے کے حوالے سے۔ مسجد میں کچھ دے رہے ہیں ضروری ہے کہ اعلان کر کے دیں، کارپیٹ آپ نے بچھایا ضروری ہے کہ آپ کے نام کا اعلان ہو۔ صحیح بتائیے یار، آپ کو کیوں اس بات کی خواہش ہے کہ میں نے مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا میرے نام کا اعلان ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آپ نے بچھایا۔ آپ ڈائریکٹ ترکیب بھی تو کر سکتے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ جناب مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، پنکھوں کی ضرورت ہے مسجد میں، آپ ڈائریکٹ پنکھے والے سے بات کرتے، ڈائریکٹ اس کو بل پیمنٹ کرتے، کسی بھی معتمد یا معتبر آدمی کو ترکیب بناتے، اس سے بھی اپنا نام چھپاتے، مسجد میں پنکھے پہنچ جاتے، ان کو اتنا مل جاتی کہ جناب کسی مخیر فرد نے یہ پنکھے مسجد کے لیے بھجوا دیے، آپ کا کام تو ہو گیا تھا نا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکی پتہ یہ کافی نہیں ہے؟ میں نے مسجد میں مائک لگایا کیوں سب کو پتہ چلے، میں نے مسجد میں ماربل لگایا کیوں سب کو پتہ چلے، میں نے گنبد کا کام یہ میں نے کروایا کیوں سب کو پتہ چلے، اس کو موٹر سائیکل میں نے دلائی، اس کو روزگار پر میں نے لگایا ہے، وہ تو بے روزگار تھا، غریب تھا، رمضان میں تو بیچارے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے اس کو پیسے دیے، یار یہ کیوں سب کو پتا چلے؟ نیکیاں کیوں نہیں چھپا پاتے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے؟ اب غور کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا کہ آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صحرا کی طرف نکل جاتے، وہاں چند ساعتیں گزارتے اور مدینہ منورہ واپس آ جاتے۔ سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا تعجب ہوتا کہ ابو بکر صبح صحرا میں کیا لینے جاتے ہیں۔ ایک روز فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چپ کر آپ کا تعاقب کیا کہ میں دیکھوں کہ آخر ایسا کون سا عمل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق مدینہ سے نکلے اور صحرا میں ایک پرانے خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ ایک چٹان کی اور چپ کر ملاحظہ کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے باہر آئے اور مدینہ منورہ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جب معلومات کی تو پتا چلا کہ یہ ایک نابینا اور ایک کمزور عورت کا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک خیمہ ہے جہاں یہ لوگ رہتے ہیں. اور آپ اس جگہ آتے ہیں اور گھر میں جھاڑو دیتے ہیں, اس کا آٹا گھونتے ہیں, بکری کا دودھ دھوتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں, جبکہ اس گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کون آتا ہے, اپنا تعارف نہیں کرواتے کہ میں کون ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو آپ کہنے لگے کہ ابو بکر, آپ نے اپنے بات کے خلفاء کو بڑی مشقت میں ڈال دیا ہے. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے لوگوں کی مدد کی, لوگوں کی غمخواری کی, لوگوں کا ساتھ دیا, نیکیاں کی, مگر چھپا کر کے صدقہ و خیرات کیا, چھپ کر کیا, چھپا کر کیا. اعلانیہ کی صورتیں موجود ہیں, میرا موضوع نہیں ہے یہ, اور نہ میں کوئی ناجائز حرام اور حلال پہ کوئی بحث کر رہا ہوں. میں تو بس ایک ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ مدنی پھولوں سے آپ کو کوئی مدنی مہک آ رہی ہے تو اس کو اپنے مسام دماغ میں بسائیے اور معطر معطر کیجئے اور خوب جھومیے اور ذہن بنائیے ہم بھی نہیں کیا چھپائیں گے. حضرت سیدنا علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ رات کو روٹیوں کا بورا کمر پر لادے گھر سے نکلتے اور روٹیوں کو صدقہ کیا کرتے تھے, اور فرماتے کہ چھپا کر صدقہ کرنا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی نیکیاں چھپانے کی عادت پیدا کیجیے. تہجد پڑھی آپ نے, کیوں کسی کو بتانے بیٹھے ہیں بھائی؟ مطلب سب کو پتا یار آپ تہجد پڑھتے ہو, سب کو پتا بشاچات کے نوافل پڑھتے ہو بھائی, یار یہ سب کو کیسے پتا چل گیا کہ آپ اتنے 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 روزے رکھتے ہیں؟ کیسے پتا چلا سب کو کہ آپ اتنی بیواؤں کی مدد کرتے ہو, یتیموں کی مدد کرتے ہو, اتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو, کیسے پتا چل گیا بھائی؟ آپ خود تو بچپن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتا نہ چلے. ہاں بھائی آپ کہتے نہیں کہتے بتائیے, بس الٹی ہاتھ کو پتا نہ چلے, ماں کی سیدھی طرف کے سارے گھر والوں کو پتا چلے, الٹی طرف کے سارے گھر والوں کو پتا چلے, پوری بلڈنگ کو پتا چل جائے, الٹے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے. میں نے کتابیں پڑھا تو الٹے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے, پورے محلے کو پتا ہو, مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہو جائے, سارے محلے کو پتا چل جائے, الٹے ہاتھ کو نہیں پتا چلنا چاہیے. کیا وہ یہی صحیح مراد ہے؟ نہیں, آپ بھی مسکرا رہے ہو گے یار, ہنس رہے ہو گے کہ یار واقعی یار میں بیوقوف آدمی ہوں, میں ایک ایسی نیکی چھپا کر نہیں جا سکتا جو سوائے میرے رب کے کوئی نہ جانتا ہو. شہرت کی وجہ سے کیا ہم اچھے کام کر رہے ہیں گے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا, سخی مشہور ہو جاؤں گا؟ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو پلیز فوکس کرے اور اپنی عبادت کو بچائے, اپنی نیکیوں کو بچائے اور اس کو ضائع نہ ہونے دے. نفس واقعی ہمارا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں, لوگ میری واہ واہ کریں گے. اسلامی بہنوں میں بھی عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں. دو پارے پڑھ لیے میں نے, ہاں دو دن میں دو پارے پڑھ لیے میں نے. تم نے دو پارے پڑھے؟ میں چار پارے پڑھ لیے. چار پارے پڑھ لیے؟ ہاں. پکاتے نہیں ہو؟ پکاتے بھی ہو, تو سب کام کرتے ہو. میں نے تو سات سات بارہ سو درود شریف بھی پڑھ لیے تھے. اچھا, بارہ سو درود شریف بھی پڑھ لیے؟ ہاں ہاں, بارہ سو درود شریف پڑھ لیے. یاسین شریف صبح فجر سے فجر کے بعد پڑھ ہی لیتی ہوں میں تو. آپ یاسین شریف پڑھ لیتی ہو, آپ فجر, آپ دو دو چار چار پارے پڑھ لیتی ہو, آپ بارہ بارہ سو درود شریف پڑھ لیتی ہو. اب کس کے لیے پڑھتی ہو؟ کیوں بتا رہی ہو کسی کو؟ چھپا نہیں سکتے. اچھا کیا ہو؟ او ہو 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 ہو, یاسین شریف روز پڑھ لیتی ہو؟ اچھا اچھا, آپ نے اتنا صدقہ کر دیا. اتنی ساری باتیں اگر آپ کو او کے نام پر مل گئی, یہ او تو مل گیا, یہ نیکیاں اگر چلی گئیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے یہ ریاکاری کا لیبل لگ گیا تو کیا ہوگا؟ حب جا کا بھوت چڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ بارہ ہزار درود شریف روز کے پڑھیں, کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ دو کیا تہجد کی دو سے زیادہ رکعتیں پڑھ لیں, کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ سورہ ملک کی تلاوت کرے, کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے جس قدر اعمال ظاہر کر کے کیے ہیں ان کو نہ ہونے کے برابر سمجھتا ہوں, کیونکہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں اس وقت اخلاص کا باقی رکھنا ہم جیسوں کی قدرت سے باہر ہے. ارے یہ کہہ رہے ہیں, حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی عبادت کو ریاکاری کی نظر نہ ہونے دیں. شیطان برا لعین ہے, برا مکار ہے. بندہ کسی صورت ترکیب بنا کر عبادت کر جائے لیکن پھر وہ اس کی عبادتوں کو ریاکاری اور حبے جا کے نظر کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی گفتگو سے لفظ میں کم سے کم کر دیجیے, نکال دیجیے. یعنی جب میں نکل جائے گا نا لفظ, تو بہت کچھ نکل جائے گا. یعنی میں یہ کر رہا ہوں, میں نے یہ کیا, میں ایسا کرتا تھا, میں یوں جاتا تھا, میں یوں کرتا تھا, میں. آپ غور کر لیجیے, اگر ہم نے اپنے بارے میں تذکرے کرنے بند کر دیے یا کم سے کم کر دیے, بہت ساری عافیت اور ہو سکتا ہے بہت ساری آسانیاں ہمیں نصیب ہو جائیں.
मैं शाहिद रफीक बात कर रहा हूँ लाहौर से। मेरे लिए खास तौर पर दुआ कर अल्लाह मुझे औलाद नरीना से नवाज दे और काबे रोजगारी का खात्मा फरमा। अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान फरमाए। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 मुख्तलिफ़ इस्तिग़फ़ार हैं। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। रिस्क का दरवाज़ा खोलना इस्तिग़फ़ार। औलाद नहीं है इस्तिग़फ़ार करें। दुख परेशानियाँ हैं इस्तिग़फ़ार करें। बहुत कुछ आपको इस्तिग़फ़ार की बहारें और बरकतें नसीब होंगी। कसरत इस्तिग़फ़ार करें। नमाज़ों की पाबंदी करें और मदनी काफ़िलों में सफ़र करें। आप फैदान मदीना में या जहाँ जहाँ आपको एतकाफ़ या आशिकान रसूल की सोहबत नसीब है वहाँ आ जाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला खूब खूब बरकतें मिलेंगी। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। साथ ही रहमत का कलम दान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नेमत बांटता जे संत वो शान गया। नेमत बांटता जे संत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। फिर आपने मुलाहजा किया शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातहुम अलिया का इल्मो हिकमत से मुजयन मदनी मुज़ाकरा। जो रमजान और मुबारक में लोग अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज्यादा बंदोबस्त करते हैं अफ्तारी का, समोसे और ऐसी चीजें अफ्तार में रखते हैं जैसे सेहत पे भी असर पड़ता है, तो इस सिलसिले में आप शरीयत की रूह से क्या बताएंगे? ये जो लवाजमात होते हैं ये शरी रूह से मुनासिब हैं? हुक्म शरई तो ये है कि कबाब समोसे शरन बिल्कुल जायज है, 100% जायज है, और फजूल भी इसको नहीं कहेंगे। ठीक है। अब ये के रहे कबाब समोसे का, अब ऑपरेशन मैं करता हूँ। ये दरअसल वो डीप फ्राई जितने भी है ना, लेकिन वो तलते हैं तो ये तेल को जब कड़कड़ाते हैं ना, तो ये तबीबों की जो तहकीक है डॉक्टर्स की, तो उनकी तहकीक ये कि इससे फ्री रेडिकल्स पैदा होती है। तो ये फ्री रेडिकल्स जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं, नुकसानदेह हैं, यहाँ तक कि ये अंजामकार कैंसर भी इससे हो सकता है। ये डॉक्टरों की तहकीक है। अब ये तेल जो है ना, जो इस तरह ये कड़कड़ा लिया ना कबाब समोसे और आपने कड़कड़ा लिया, तो ये तेल पेट में जब इसको खाते हैं ना कबाब समोसे और दीगर ग़िज़ाएँ भी खाते हैं, साथ में फल भी होता है, चावल भी होते हैं, तो रोटी भी होती है, दोबोटी भी होती है। अब पेट में जाकर ये तेल दीगर जो ग़िज़ाएँ हैं इसकी कोटिंग कर देता है। ये तेल उसके ऊपर जो है ये अपना मतलब खोल चढ़ा देता है, कोटिंग कर देता है। तो अब ये ग़िज़ा के अज्जा जो हैं ये जल्दी हज़म नहीं होते। नतीजा होता है या तो लगेगा कब्ज़, और रमज़ान में कब्ज़ ठीक ठाक लगता होगा, या हो जाएंगे मोशन, पेट में दर्द, पेट में मरोड़। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ें, आगे चल के फिर बुखार, फिर उल्टी, सर में दर्द, बदन में दर्द और तरह तरह की बीमारियाँ। अब वो डॉक्टर इन दिनों बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं, शायद सारा साल दुआ मांगते होंगे कि हमको रोज़ी में बरकत, तो ये इनकी भी रोज़ी में बरकत के दिन है। एक तो कबाब समोसे खाते हैं, फिर वो ठंडा ठंडा शरबत पीते हैं, या नहीं ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी ये बर्फ़ का, ये भी तो
पेट का तो सत्यानाश ही करता है और गले से होकर गुजरता है, गले को भी डैमेज करता है। ठंडा ठंडा पानी, वो ठंडा जो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है फ्रिज का। अपने एहतिकाम में भी लंबे पड़े होते हैं, इधर लंबा पड़ा है उधर लंबे पड़े हो जाते हैं, लेकिन जो शुरू से हमारी हिदायत पर अमल करता है उसका रमज़ान मदीना मदीना गुजरता है। हमारी तो तहरीक होती है आधी रोटी की, ये पुरानी चल रही है, ये दो चार तो होते ही मेरे ग्राहक। 98 से 72 किलो पे आ गए, कमाल कर दिया आपने तो यार। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों ने, मैं समझता हूँ कि हमारे इन मदनी फूलों की वजह से सेहत पाई होगी। ये हमारे यहाँ मामूल होता है खासकर रमज़ानों में, कई कई कबाब कई कई समोसे बगैर चबाए निकले जाते हैं, रोल और पता नहीं क्या क्या गोलम गोल आता है, वो बेचारे खाते रहते हैं। मैंने देखा वो बेदर्दी के साथ खाते हैं, यकीन जाने बापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यानी हिम्मत नहीं होती मना करने की, बेदर्दी के साथ खाते हैं ये। यहाँ पर अगर आपने सही तौर पर अमीर सुर के मदनी फूल ले लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको खाने में ना सिर्फ लुत्फ आएगा बल्कि सेहत भी अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अगर हम किसी जंगल में या वादी में हम जा रहे हैं तो अगर हमें वहाँ किसी की डेड बॉडी मिल जाती है तो हम उसको कैसे दफन करेंगे, मुसलमान तरीके से या कुफार के तरीके से? यहाँ बापा आपकी बारगाह में अपनी भी इसलाह चाहूँगा इस हवाले से और जो इस तरह के सवालात हैं उस हवाले से, क्योंकि इस तरह के मैसेजेस बहुत चलते हैं कि ये बताइए कि अगर किसी लड़की की लाश फुला जगह पर मिली तो उसको मुसलमान कहेंगे या काफिर कहेंगे, फांसी फजर से पहले क्यों दी जाती है, या इस तरह के सवालात ये SMS के ज़रिए पूछे जाते हैं। ये भी सवालात इफ्ता में भी बकसरत इस तरह के नेट के ज़रिए पहले आते रहे, SMS के ज़रिए भी पूछते हैं, हालांकि ये एक वकूई सूरत नहीं है, इंतहाई नादिर है कि कहीं जाके इस तरह का मामला किसी के साथ पेश आए। इसके बरक्स फ़र्ज़ उलूम या ऐसी बातें कि जिनका सीखना ज़रूरी है वो ना पूछने के बराबर होती हैं, तो इस हवाले से हमारी भी इस्लाह फरमाएँ और इस तरह के जो सवालात और SMS चलते हैं इसमें भी आप इस्लाह फरमाइए कि इस तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये एक बस वो इन्जॉय के लिए शायद ऐसा करते हैं तफरीहन और लोगों को तजस्सुस में मुब्तला करते हैं, तो फजूलियात हैं। और बुज़ुर्गों का कौल अगर जहन में रह जाए ना हमारे तो अल्लाह करेगा तो फजूलियात से जान छुड़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। वो कौल ये कि इंसान का गैर मुफीद बात करना अल्लाह ताला के बेमदद छोड़ देने की वजह से होता है, जिसको अल्लाह ताला ने बेमदद छोड़ दिया वो गैर मुफीद बातें करता है। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि इनका और कोई धंधा नहीं होता। जब फिर ये कि ये कंफ्यूज करते रहेंगे, ये बेचारा जो पढ़ेगा कि हाँ यार लड़की मिली तो अपने क्या करेंगे, अरे तू क्या करेगा यार, अगर मिल जाए तो किसी आलिम दीन से पूछ लेना भाई क्या करना है इसका, तो तेरे को फैसला करना है और तुझे ही लड़के की लाश मिलेगी, थाने वगैरह सब खत्म हो गए और तुझे लाश मिलेगी, अब तुझे ही भुगताना है लाश को। तो ये खामा खा के मतलब है कि ये ऐसे ही बस वो हिसाब किताब होता है और ये फजूल लोगों का काम होता है कि जो खामा खा कन्फ्यूज़न पैदा करते रहते हैं। अगर कोई ऐसा आपको मैसेज SMS आ जाता है तो इसको फ़ौरन डिलीट कर दें, आगे ना बढ़ाया करें। आपको SMS करना है तो मिसाल के तौर पर कोई बाहर शरीयत का आसान सा मसला निकाला, उसमें बाहर शरीयत का पूरा हवाला सफ़ा नंबर के साथ वो लिख कर आप भले SMS करें, क्योंकि बगैर हवाले के भी डालेंगे तो कन्फ्यूज़न पैदा होगी। इसके बावजूद अगर हवाले वाला SMS आपको आए कि भाई बाहर शरीयत फुला सफ़ा फुला, तो जब तक आप, मैं ये आपसे आवाम से अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप जब तक बाहर शरीयत से उसको मिला ना लेना, उसको फॉरवर्ड फिर भी ना करें, कि हो सकता है कोई शरारत करे, घबरा के भी बाज़ औक़ात बोल देता आदमी कि भाई कहाँ है हदीस तो बुखारी में, अब बुखारी कहाँ ढूंढेगा, या इसी तरह लिख दिया वो हदीस अपने तौर पर कहीं सुन सुनाई अल्फाज लिख दिए ब्रैकेट में लिख दिया बुखारी, और ये बुखार के मरीज़ को ये भी नहीं पता होता कि ये बुखारी क्यों लिखते हैं ब्रैकेट में, ऐसे भी तो जाहिल होते होंगे ना, पता ही ना होता हो। तो इसलिए मेहरबानी करके मजहबी मामलात में आप इंटरफेयर ना किया करें, बल्कि जो अल्लाह ने आप पर फ़र्ज किए उलूम वो सीखें या हासिल करें। हाँ, ये एक नमाज कायम करो, इस तरह के SMS हो, रमज़ान शरीफ के रोज़े पूरे रखो, पूरी तरावी पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, इस तरह के जो ये मोटी मोटी बातें इसको कहते हैं, अगर इस तरह का SMS किया तो ये वो सॉलिड
और सुथरी नेकी की दावत है कि जिसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है और कार्य सवाब है अच्छी नीयत होगी। तो ये बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 815 मसअला नंबर 12। मुर्दा मिला और ये नहीं मालूम कि मुसलमान है या काफिर, तो अगर उसकी वज़अ क़त्अ मुसलमानों की हो या कोई अलामत ऐसी हो जिससे मुसलमान होना साबित होता है, या मुसलमानों के महल्ले में मिला तो गुस्ल दें और नमाज पढ़ें वरना नहीं। इसी तरह किसी की जैसे कब्र बनी हुई है तो उसमें भी पता नहीं कि ये काफिर की कब्र है मुसलमान की, तो इसको भी इसाले सवाब करने की शरीयत में मुआनत इजाज़त नहीं, ना इसको सलाम करेंगे ना इसाले सवाब करेंगे, पता नहीं है ना काफिर है मुसलमान।